अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। देवान में मिठाई दुकान में गैस पाइप लीक होने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों घायलों को सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों मजदूर मिठाई दुकान में इमरती बना रहे थे, इसी दौरान गैस पाइप लीक होने से हादसा हो गया, जिसमें तीनों मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना सिवान जिला के नगर थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार की है। बताया जा रहा है कि जीरादई के ठेपा गांव के रहने वाले गोविंद्र प्रसाद शहर में अपना एक मिठाई का दुकान चलाते हैं, जिसमें उन्हीं के गांव के 3 लोग मजदूरी करते हैं। जब दुकान में इमरती बनाया जा रहा था, इसी दौरान गैस का पाइप अचानक लीक कर गया, जिससे पाइप में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान दुकान में काम कर रहे 3 मजदूर आग की चपेट में आ गए, जिससे तीनों मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। घायल व्यक्तियों की पहचान जीरादई के ठेपा गांव निवासी संतोष प्रसाद, अनिल प्रसाद और सुधीर प्रसाद के रूप में हुई है। यहाँ से फोन गया कि ऐसा सिलेंडर लीक हुआ और आग लग गया, 3 आदमी जल चुके हैं। कृपया कि शहर के बीच में सिलेंडर जलना कितना खतरा है, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हो सकता है, होता है, खतरा होना क्या है, हुआ है। क्या चाहते हैं आप? यदि वो उसमें कुछ मुआवजा मिले, गवर्नमेंट की तरफ से मिले, दवा बीरो मिले, और क्या चाहिए? और जिनके यहाँ काम करे तो उनसे क्या उम्मीद है? वो लोग नहीं करें, वो भी देंगे। क्यों, कौन गोविंद जी, वो क्या बोले हैं? अभी तक तो कुछ बोले नहीं, अभी तक तो दवा करा रहे हैं सदर अस्पताल में। अभी सदर हॉस्पिटल में से दवा चल रहा है। अभी कहाँ चले गए वो लोग? वो लोग गया घर पर, डॉक्टर साहब लेकर गए हैं। कौन लेके गए? गोविंद जी के परिवार लेकर गया है। कहाँ? घर पर। डॉक्टर का इलाज नहीं होगा? डॉक्टर का इलाज तो हुआ है, डॉक्टर साहब रिलीज किए तभी तो गए। दुकान है, उन लोग अपना काम करने आते हैं वहाँ पर। क्या चीज़ का काम करते हैं? जिलेबी लेबी बनाते हैं लोग, घोई का। हाँ, वहाँ पाइप फाट जाने से आग लग गया उसमें। हाँ, इसलिए लोग जड़ कर घायल हो गए। तीनों आदमी का नाम बताइए। हमारे बड़े भाई हैं संतोष कुमार, अनिल कुमार, छोटे भाई का नाम है सुधीर कुमार। हम लोगों के साथ में सहयोगी में तो रहते हैं संतोष कुमार, वो हमारे गांव के हैं। उनके पिता का नाम बताइए। उनका पिता का नाम हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारे पिता का नाम मालूम। क्या नाम है? तीना नाथ उनका नाम है। हमारे पिताजी का नाम श्री परमात्मा प्रसाद। कहाँ घर है आपका? ठेपा बाजार। ठेपा, तो कैसे जल गए, क्या कुछ पता चला आपको? कैसे पता चला आपको? हमको घर पर फोन गया हमारा कि गैस फट गया है, वहाँ पाइप फट गया है, आपका भाई जल गए हैं। तो हम दौड़ल आए हैं सीमान पहुँचे। तो परिवार के लोग क्या क्यों पीछे हट रहे? जो किसका काम होता है, किसके यहाँ काम करते हैं वो? गोविंद जी के यहाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? वो ठेपा के रहने वाले हैं। गोविंद जी के यहाँ? हाँ। तो क्या आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकार से क्या चाहते हैं, उनका परिवार भी है, कैसे क्या होगा? हम यही चाहते हैं, उन लोगों को कोई कार धंधा नहीं है, उनका मुआवजा मिले, उनको खाने पीने का दवा इलाज का पैसा मिले। उनके परिवार में कौन कौन है जिन चले हैं? बस वो हैं, दो लड़का है उनका छोटा छोटा। शादी ब्याह हो गया है? नहीं, शादी ब्याह भाई साहब का हुआ हमारा। जो चले हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? अनिल प्रसाद। आप उनके कौन हैं? हम उनका भाई हैं। नाम बताइए। हमारा नाम सुनील कुमार है। हाँ। जो संतोष नाम का लड़का है, हाँ, उसके पास कोई नहीं है सहारा। हाँ। सिर्फ उसकी पत्नी है, उनका छोटा छोटा बच्चा है। वो रो रहा है कि हमको लोग नहीं निकालते, तो हम उसमें जल कर मर गए। बताइए, ये स्थिति में उनको अच्छा से अच्छा इलाज नहीं होगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? वो कहाँ काम करते थे? गोविंद जी के यहाँ। क्या चीज करते थे? मिर्ची बना रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसमें तो सिलेंडर का पाइप फट गया। हाँ। तीनों लोग घायल जल गए। और अंदर कौन कौन थे लोग? यही लोग थे लोग? अब हम ये नहीं बता सकते। हम देखे। आप कौन हैं? हम अनिल के चाची हैं। चाची कहाँ से आई हैं? छपा से। नाम बताइए।